नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और अगले आधे घंटे के दौरान आप हमसे कमोडिटी मार्केट से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। जान सकते हैं कि आपके लिए बाजार में सबसे बेहतर मौके कमाई के क्या हो सकते हैं। और हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-1803545, साथ ही आप 01204258237 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। शुरुआत करते हैं बाजार के ताजा हाल से कि फिलहाल मार्केट में किस तरह का एक्शन है शाम के कारोबार में, यह हम आपको बताने जा रहे हैं। और गोल्ड और सिल्वर की कीमतों में आज गिरावट का रुख है, करीब 100 रुपए नीचे एमसीएक्स पर सोना 31,380 के स्तर पर गोल्ड में ट्रेड हो रहा है। और चांदी में गोल्ड के मुकाबले गिरावट ज्यादा है, करीब 700 रुपए नीचे एमसीएक्स पर चांदी 45,400 के आसपास चांदी में कारोबार हो रहा है। इन सब के अलावा अगर बात करें क्रूड की तो यहाँ पर मामूली गिरावट है, 1 रुपए नीचे है। नेचुरल गैस में करीब 1.5% की नरमी आई है, 178 के नीचे है एमसीएक्स पर नेचुरल गैस का भाव। कॉपर में करीब 25 पैसे की मजबूती है और निकिल का भाव करीब 1.5 रुपए ऊपर है, 691 के ऊपर एमसीएक्स पर निकिल में कारोबार होता हुआ दिख रहा है। तो ये आप देख रहे हैं मार्केट का ताज़ा हाल। लेड में करीब 20 पैसे की मजबूती है, 126.30 का स्तर है। और साथ ही ग्वार की बात करें तो यहाँ पर करीब 13 रुपए की बढ़त के साथ ट्रेड हो रहा है, 3700 के ऊपर है। ग्वारगम का भाव 60 रुपए ऊपर है, 6660 के स्तर पर यहाँ पर कारोबार हो रहा है। और अब बात बम्पर कॉल की, 3 ऐसी कौन सी कॉल होंगी जहाँ पर शाम के कारोबार में आपके लिए कमाई के बेहतर मौके होने वाले हैं, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। और शाम के कारोबार की पहली कॉल है, बम्पर कॉल है चांदी, जहाँ पर 45600 के भाव पर बिकवाली की कॉल दी गई है। 44,900 का टारगेट होगा, 46,000 का स्टॉप लॉस यहाँ पर आप लगा सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण कॉल एल्युमिनियम है, जहाँ पे 111 के स्तर पर बाई करके चलिए, ये राय दी गई है केडिया की तरफ से, और 114 का टारगेट होगा। तीसरी महत्वपूर्ण कॉल है नेचुरल गैस, 177 के स्तर पर बाइंग की राय है, लक्ष्य होगा 182.20 का। तो ये कुछ महत्वपूर्ण कॉल हैं जहाँ पर आप ट्रेड कर सकते हैं, मार्केट में ट्रेड करिए लेकिन स्टॉप लॉस ज़रूर लगाइए। चलिए, और हमारे साथ दोनों एक्सपर्ट जुड़ चुके हैं, शुरुआत कर लेते हैं गोल्ड से ही। गोल्ड के दाम आज दबाव में हैं। हमारे साथ अमित सजेजा हैं, मोतीलाल ओसवाल कमोडिटी के एनालिस्ट, और साथ ही केडिया कमोडिटी के MD अजय केडिया हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। अमित, पहला सवाल आपसे, गोल्ड का भाव आपको यहाँ से कहाँ जाता हुआ दिख रहा है अब? देखिए, अगर शॉर्ट टर्म की बात करें तो हमने देखा है कि 1360 डॉलर के आसपास कॉमेक्स में एक काफ़ी स्टिफ रेजिस्टेंस डेवलप हो रहा है, जिसके ऊपर प्राइसेस टिक नहीं पा रही है। अगर जाती भी है तो एक आध दिन जाती है, वहां से फिर स्लिप हो जाती है। तो मुझे लगता है शॉर्ट टर्म में मार्केट के नीचे आने के चांसेस थोड़े ज़्यादा हैं और हमें करीबन 30,900 तक के भाव दिख सकते हैं MCX पर। ठीक है, हमारे साथ अब कॉलर जुड़े हैं, राधे लाल हैं अलवर से, ग्वार के ऊपर इनका सवाल है, पूछिए राधेलाल। सर, मैं आपसे अनुरोध ये है कि ठीक है, 2 महीने पहले गम ली थी हमने करीब 6300 रुपये की, तो इसके बाजार इस वक्त पोजीशन 6640-6650 के आ रहे हैं, इसमें बाजार आएंगे या नहीं आएंगे सर? चलिए, ग्वार के ऊपर क्या आउटलुक है आपका अजय केडिया? गुड इवनिंग मित्रजी। देखा जाए तो ग्वार में जिस ढंग से हमने देखा पिछले 2 महीने से काफ़ी अच्छी तेजी का रुख चल रहा है, जिस ढंग से राजस्थान एरिया में खास करके अगर देखा जाए सोइंग में करीबन 30-40% से ज़्यादा का गिरावट आया था, वो कहीं ना कहीं प्राइजेस को सपोर्ट कर रहा है। बट टाइमिंग डिमांड भी नहीं है, तो मुझे लगता है मार्केट स्लो एंड स्टडी रहेगा, बट ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है। हम देखते हैं कि नियर टर्म में अगर हम सितंबर फर्स्ट वीक की बात करें तो 4,000 तक का लेवल दिखा सकता है, बट ओवरऑल 5-5.5 के भी लेवल हमें ईयर एंड तक देखने मिल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ रजत हैं बाड़मेर से, जीरा पर सवाल पूछना चाहते हैं, पूछिए रजत। बात कर रहे हैं डॉक्टर अशोक जी। हेलो जी, पूछिए। टीवी का वॉल्यूम कम करिए, फिर सवाल पूछिए प्लीज। आज सर जीरे पे बोल क्या, जीरे का आउटलुक आप जानना चाहते हैं? ठीक है, अमित सजेजा, क्या आउटलुक आप देख रहे हैं, क्योंकि आज जीरे में इंटरडे में तेजी थी लेकिन मार्केट की क्लोजिंग बिल्कुल फ्लैट हुई है, क्या आउटलुक आपके हिसाब से जीरे का है? देखिए, पिछले 8-10 दिन में हमने एक सेलिंग प्रेशर आते देखा है, काफी महीनों से तेजी बनी हुई थी इस कमोडिटी में। मुझे लगता है कि ये जो शॉर्ट टर्म मंदी है ये कंटिन्यू हो सकती है,
यहाँ से हमें दोबारा 18,000 तक के भाव देखने मिल सकते हैं। बट ये एक शॉर्ट टर्म आउटलुक है। अगर आप थोड़े मीडियम टर्म आउटलुक की बात करें तो मैं नीचे में फिर से बाइंग की सलाह दूंगा, करीबन 17,900 से 18,000 के रीजन में हमें दोबारा 19,500 से 20,000 के भाव दिख सकते हैं मीडियम टर्म आउटलुक से, बट शॉर्ट टर्म मंदी लग रही है। ठीक है, पवन है यूपी से और इनका सवाल मेंथा के ऊपर है। पूछिए पवन। हेलो जी, पूछिए। राजेश बोल रहे जी, रोहतक से। हाँ ठीक है राजेश, बताएं। सेल क्या? हाँ करूड़ का सर जी, ये करूड़ सेल किए हुए सर जी मैंने सितंबर के 3285 रुपए में दो लोट। 3285 के स्तर पर क्रूड में आपकी बिकवाली है, भाव उससे नीचे है यानी आप फायदे में हैं, लेकिन अजय केडिया क्या इनको प्रॉफिट बुक करने की सलाह अभी आप देंगे या फिर आप इनको कहेंगे कि अभी रुकें? मुझे लगता है क्रूड में रैली काफ़ी अच्छी हुई लास्ट 15 डेज में, देखे तो हमने मोटा मोटी $40 से ऑलमोस्ट $49 आज टेस्ट करते हुए देखा। टाइमिंग में लगता है फंडामेंटल्स कहीं ना कहीं चेंज हो रहे हैं, जिस ढंग से सऊदी के जो स्टेटमेंट्स आए कि आगे प्रोडक्शन फ्रीज हो सकता है, तो मुझे लगता है इनको कंटिन्यू एक बार आज पर्टिकुलर देखा है तो कोई डेटा नहीं है तो प्रॉफिट बुकिंग देख रहे हैं, एक्सपायरी भी है तो आज के लिए होल्ड कीजिए बट कैरी मत कीजिए शॉर्ट पोजिशन, क्योंकि मार्केट अभी यू टर्न कर चुका है जो मुझे लगता है वापस $51-52 WTI दिखा सकता है। डोमेस्टिक मार्केट में 3600 तक के लेवल मंथ एंड तक दिखा सकता है, बट आज के लिए होल्ड कर सकते हैं। और यहाँ से अगर करंट मंथ की बात करें तो मुझे लगता है 3100 से 3080 तक का लेवल मिलता है वहाँ पे इनको निकल जाना चाहिए। ठीक है, अगले कॉलर हमारे साथ लकी हैं भिलवाड़ा से, निखिल पर इनका सवाल है। लकी आपको आवाज आ रही है? हाँ आ रही है सर। पूछिए। सर मैं 720 पे निकल भाई है, 720 पे आपकी 5 लॉट भाई है निखिल। अमित क्या सलाह है आपकी इनके लिए, क्या करना चाहिए इनको? जी अगर शॉर्ट टर्म आउटलुक देखा जाए तो निकिल में थोड़ा वीकनेस दिख रही है एज कम्पेयर टू अदर बेस मेटल्स। अगर 700 से 705 के रीजन में भाव देखें तो मैं इन्हें एग्जिट की सलाह दूंगा, और अगर चाहें तो नीचे में पोजीशन बनाई जा सकती है दोबारा 665 से 670 जोन में जो हमें शॉर्ट टर्म में दिख सकते हैं, तो एक रिलीफ रैली पे मैं एक्चुअली एग्जिट की सलाह दूंगा और वही पोजीशन नीचे शिफ्ट की जा सकती है। ठीक है, पवन है यूपी से और इनका सवाल मेंथा के ऊपर है। पवन पूछिए। पवन आप सुन पा रहे हैं? पवन आपको आवाज आ रही है? लगता है इनसे हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन अब बात कर लेते हैं आज के लिए मेटल्स की, क्योंकि मेटल का मार्केट जिस तरह से यहां पर ट्रेड कर रहा है, अजय केडिया शाम के कारोबार के लिए यानी अगले 5 से 6 घंटे के लिए आपकी टॉपिक मेटल में क्या होगी? मुझे लगता है कि बेस मेटल काफ़ी एक मिला जुला ट्रेड रहा है पूरे हफ्ते में, नो डाउट डिमांड कंसर्न बनी हुई है इसलिए ज़्यादा तेजी नहीं कर पा रहा है, बट अभी भी हमने माइंस में जो सस्पेंशंस देखे हैं और बैंस देखे हैं उसके से प्राइस को लिफ्ट कर रहा है। मुझे लगता है कि टॉप पिक मेरी एल्यूमिनियम रहनी चाहिए, जिस ढंग से एल्यूमिनियम में फ्रेश कुछ कंसर्न चाइना से आए उसके बाद हमने प्राइस को काफ़ी अच्छा टेक्निकली भी 112 के ऊपर सस्टेन करते हुए देखा है, तो मुझे लगता है 111 पे एक एल्यूमिनियम बाय कीजिए, ऊपर में 13.5 तक के लेवल वापस देखने मिल सकते हैं। ठीक है, अगले कॉलर हमारे साथ हरिंदर हैं। हरिंदर पूछिए अपना सवाल। हेलो जी पूछें। जी मैं इलायची पर पूछना चाहता हूँ, इलायची का क्या व्यू रहेगा, वायदे में तो बहुत बढ़ गई। इलायची पर आप आउटलुक जानना चाहते हैं? इलायची में हाल में अच्छी तेजी आई है क्योंकि अराइवल में देरी हो रही है, आज हालांकि करेक्शन के साथ मार्केट बंद हुआ है लेकिन ये मैच एक प्रॉफिट बुकिंग है, क्या कहेंगे आप अमित इलायची के ऊपर? देखिए कार्डमम ब्रॉडली एक बड़े रेंज में से निकला है, काफ़ी टाइम से एक रेंज बाउंड ट्रेड हो रहा था, उसमें से हमने पिछले कुछ दिनों में काफ़ी लंबी और अच्छी तेज़ी आते हुए देखी है। मुझे लगता है कि आज आगे आने वाले समय में ये तेज़ी जारी रहेगी और हमें करीबन 1250 से 1300 तक के भाव भी दिख सकते हैं, तो यहाँ से मुझे और एक 10 से 15% की अप्रिसिएशन दिख रही है प्राइसेस में। मैं कहूँगा कि बाय साइड बने रही, अगर शॉर्ट है तो उसमें से एग्जिट हो जाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ अनिल हैं सिरसा से, मस्टर्ड के ऊपर इनका सवाल है। पूछिए अनिल। अनिल आप सुन पा रहे हैं? चलिए अगले कॉलर हमारे साथ अंकित हैं सूरत से और इनका सवाल ग्वार के ऊपर है। अंकित पूछिए। अनिल आप सुन पा रहे हैं? हाँ सर जी पूछें। अगले कॉलर हमारे साथ अंकित हैं सूरत। टीवी का वॉल्यूम कम करिए अंकित, तब सवाल पूछिए प्लीज। सर मेरा सवाल सर ये, सर ग्वार का रेट 40 रुपए कब तक जा सकता है?
ठीक है, ग्वार का क्या मीडियम टू लॉन्ग टर्म आउटलुक आपके हिसाब से है अजय केडिया? ये ग्वार का इतिहास देखा जाए तो काफ़ी वोलाटाइल भी रहा है। हमने प्राइजेस 30,000 का भी भाव देखा और नीचे में 2900 का भी लेवल देखा। टाइमिंग मुझे लगता है कि ये साल जो सोइंग में ड्रॉप हुआ कहीं ना कहीं मार्केट में कंसर्न करेगा। अगर क्रूड के प्राइजेस में आगे जाके रिकवरी आती तो सेल प्रोडक्शन में जिस ढंग से हम जानते हैं कि ग्वार का यूसेज अच्छा होता है तो वहाँ से मुझे लगता है डिमांड इंप्रूवमेंट 2017 में रह सकती है। तो ओवरऑल मुझे लगता है अगर 6 से 8 महीने की अवधि की बात की जाए तो 5.5 से 6,000 तक का लेवल देखने मिल सकता है। ठीक है, बंसी लाल है यूपी से, मेंथा पर पूछना चाहते हैं, पूछिए। हेलो सर, नमस्कार सर। नमस्कार, पूछिए सर। ये मेंथा में डेली रोज का रोज सर गिरावट आ रहा है सर, क्या लग रहा है? मेरे पास सर 2 क्विंटल मेंथा रखा हुआ, बहुत महंगा 1100 का है। और सर ये तो समझ में नहीं रहे सर, ये मार्केट जो है ऊपर से नीचे आ रहा है, ये क्या मार्केट और नीचे आएगा सर क्या कुछ आगे 1-2 महीने में सर आगे बढ़ेगा सर कुछ ऊपर जाएगा मार्केट? क्या कहेंगे, ऊपर जाएगा मार्केट अमित मेंथा का? जी मुझे लग रहा है कि ऊपर जाने की उम्मीद है। जो पिछले कुछ दिनों में हमने करेक्शन आते हुए देखी है वो मुझे एक करेक्टिव डिप ही लग रही है और ये बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है करीबन 870 से 880 की जोन में। दोबारा हमें हो सकता है कि 980 से 1000 तक के भाव दिख जाए 2 से 3 हफ्तों के दौरान।